हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मुझे 2000 का फ्लिपकार्ट पे लेटर क्रेडिट मिल गया है। तो गाइस, फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है और कैसे काम करता है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गाइस, फ्लिपकार्ट पे लेटर फ्लिपकार्ट का एक स्कीम है जिसमें आपका शॉपिंग हिस्ट्री को देख के आपको कुछ क्रेडिट दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है। और गाइस, फ्लिपकार्ट आपसे इस लोन का इंटरेस्ट नहीं लेता है, मतलब ब्याज नहीं लेता है 1 मंथ तक। जैसे कि देख सकते हैं मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से 2000 का क्रेडिट मिला था जिसमें मैंने 607 टका का शॉपिंग कर लिया है। तो ये 607 टका मुझे अगली मंथ को पे करना होगा। तो गाइस, फ्लिपकार्ट का ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिन्हें इमरजेंसी में कुछ ख़रीदना है पर फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है, तो वो इस स्कीम से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं इस फ्लिपकार्ट पे लेटर को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे शॉपिंग करना है। पहले हम फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे और 3 लाइन पे क्लिक करके माय अकाउंट पे चले जाएंगे। माय अकाउंट पे जाते ही आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा जिसमें आप अपना आधार नंबर व वर्चुअल आईडी डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने कैप्चा कोड शो होगा जिसे आप टाइप कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके आधार में रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर में एक OTP सेंड किया जाएगा जिसे आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको क्रिएट 4-डिजिट पिन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने हिसाब से 4-डिजिट का पिन सेट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड करते ही आपके सामने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसमें चेकिंग योर एलिजिबिलिटी लिखा हुआ होगा, मतलब फ्लिपकार्ट अभी चेक कर रहा है कि आपको कितना पैसे का लोन दिया जा सकता है। वेट करेंगे और आपके सामने शो हो जाएगा कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कितना का लोन मिल सकता है टोटल। क्योंकि गाइस देख सकते हैं मुझे 2000 का क्रेडिट मिला है, तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे इस 2000 रुपीज़ को अगले मंथ से इंटरेस्ट लगेगा, पर नहीं, मैं इस 2000 में से जितना का भी शॉपिंग करूँगा मुझे बस अगले मंथ उतना पैसा ही शॉर्ट करना होगा। बस गाइस, अभी आपको बस एक और काम करना है, नीचे एक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे आपका UPI ID मांगा जाएगा। आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी का भी UPI ID इसमें लिख देंगे और कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करेंगे। इतना करते आपके अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप जब भी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आप नीचे की तरफ इस फ्लिपकार्ट पे लेटर का टर्म्स और कंडीशन भी पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, मैं आपको शॉपिंग करके दिखा देता हूँ इससे कैसे शॉपिंग करते हैं। तो पहले आप अपना प्रोडक्ट चॉइस करेंगे, उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पहला आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर का ही ऑप्शन होगा जिस पर आप टिक करेंगे और कन्फर्म या कंटिन्यू करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।